गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज फर्स्ट पेरेंट्स कम स्टूडेंट इंटरेक्शन कम मीटिंग फॉर न्यू एकेडमिक ईयर। ओके, वी प्रॉमिस इन लास्ट मीटिंग इन मार्च 2021 दैट दो एकेडमिक ईयर इज अबाउट टू एंड, वी विल नॉट स्टॉप टीचिंग बिकॉज वी वॉन्ट दिस पर्टिक्युलर सागा टू कंटिन्यू। म्हणजे मुलांचं टीचिंग थांबलंच नाही पाहिजे, कारण त्या गॅपने मुलांमध्ये जी बिल्डअप नॉलेज म्हणजे मेंदूचा जो विकास व्हायची प्रक्रिया सुरू झाली असते ती कुठे थांबायला लागते। दो आय अंडरस्टँड दॅट 90% स्टुडंट इन अवर क्लास आर मराठी मिडियम और सॉरी मराठी अंडरस्टँडिंग और मराठी स्पीकिंग क्राउड, बट देन वी विल स्पीक इन हिंदी। वन टू पीपल दे डोंट नो एटलीस्ट मराठी व्हेरी वेल, सो कम्प्लीट कॉन्वर्सेशन विल गो इन हिंदी। I'll be speaking for major period. This is agenda which is on your screen. And then basic kind request not to switch on your mic, not to switch on your video, but you have complete liberty to put your thoughts. आपके सारे विचार आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वी आर बॉदर्ड कि आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अब तक जो पिछले साल में 5 पेरेंट्स मीटिंग हुई, लोग बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं और बहुत देर तक बोलते हैं, सो इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जैसे 7 बजे शुरू किया, हम लोग इसे क्लोज करेंगे तकरीबन 7:45 एंड आपको अच्छा लगा तो 8 बजे। बट ये इतने पीरियड में आपसे सिर्फ अच्छा सुनने का मूड नहीं है, ना ही मतलब मूड से ज्यादा कि आप अच्छा सोचते ही हो, ये पूरा आपके पेरेंट्स की रिएक्शन से इंटरेक्शन से हमेशा पता चलता। सो विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। फर्स्ट पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 42 पेरेंट्स का एंट्री है, तो यू आर सीरियस एंड सिंसियर अबाउट यूअर किड और आपके बच्चे के फ्यूचर के बारे में काफी कॉन्शियस है, और इसी के कारण पिछले एक साल से बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उन जुड़े हुए लोगों से हमको कुछ इंस्पिरेशन मिला तो हमने कुछ नए टाइप के क्लास शुरू किए। ये लोग हमसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं या शायद मुझे भी पहली बार सुन रहे होंगे, शायद उन्होंने कभी इंटरनेट पे मेरे बारे में ढूंढा भी नहीं हो। तो उन लोगों के लिए जो जर्मन क्लास के हैं, जापानीज क्लास के हैं, या फिर कुछ FCC करके क्लास है, या जिला परिषद के महाराष्ट्र के स्कूल के बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने क्लास में, तो उन सबके लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अवर क्लास कि अवर क्लास हैज स्टार्टेड विद द इंटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग आप सबको एक क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे ऑन ऑनलाइन माध्यम से, ताकि आपके बच्चे को इस पैंडेमिक में और पैंडेमिक के बाद कहीं दूर जाना न पड़े ट्रैवल करके, सिर्फ सेकंड होम होता है ना वैसे, सेकंड टीचिंग के लिए, क्योंकि फर्स्ट टीचिंग तो स्कूल से होता है। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग एक 10-20 साल पहले से है, वो सब लोग कभी ट्यूशन नहीं गए हैं, तो आपको खास कोई ट्यूशन जाने की या ट्यूशन के पीछे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको ओरली नहीं बता रहा हूँ, ये पिछले एक साल में हम लोगों ने फील किया जब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास शुरू किया। तकरीबन 450-500 एडमिशन थे, डिसिप्लिन बहुत ही कम था, और ऑनलाइन में इनडिसिप्लिन होने का मतलब ये होता है कि सबका समय बर्बाद होना और देर इज नो एजुकेशन एट ऑल। तो ये रोकने के लिए हमने एक अच्छी चाल चली कि भाई आपको मिनिमम फीस देनी है 3,000 2,000 4,000 साल की। 4,000 फीस थी 10th की शुरुआती दौर में, जब बच्चे कम लगे तो टीचर्स को जो पे कर रहे हैं हम लोग उसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन आप लोगों से आना चाहिए, इसलिए थोड़ा बढ़ा दिया। बट देन दिस वाज द फीस 2,000 से 4,000 के बीच में सारे क्लासेस की फीस, मतलब कौन से नर्सरी टू 10th, इतनी फीस कम होने के बावजूद भी और हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा पढ़ाने के बावजूद भी हमने सारा सिलेबस एक 4-5 महीने में खत्म किया, अच्छे से खत्म किया, ऐसा पेरेंट्स ने फीडबैक दिया। और रिवीजन 1-2 बार तो हुई मार्च तक, और मार्च से जब डिक्लेयर हुआ कि एनुअल एग्जाम्स होंगे नहीं, तो हमने बोला क्लास तो बंद नहीं करेंगे, इसे कंटिन्यू रखेंगे ताकि बच्चों को अगर कुछ मजा आए, कुछ और एक्टिविटी ले सके। जैसे नॉलेज आवर में हम लोग क्या क्या लेते हैं आप लोगों को पता है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल, क्योंकि वो सब जगह डाला जाता है। ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से
जो हम लोग जर्मन जापानीज लैंग्वेज के क्लासेस ले रहे हैं वो भी अपने बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री है। ऐसी कई चीजें हैं जो फ्री है, और ये सारी चीज का मैंने बीच में मैसेज डाला था आप लोगों को कि पैकेज लेने जाओगे टोटल कहीं तो स्कूल में जितनी फीस आप भरते हो तो कोचिंग क्लास में हाई फाई में इससे 10 गुना ज्यादा फीस होती है। बताने का ये है कि मिनिमम फीस में बहुत अच्छे से मिनिमम पीरियड में विद हैसल फ्री नो ट्रैवलिंग ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा होता है। कॉइन हैज गॉट टू साइड्स, हर कॉइन को दो साइड है ना। जैसे इसका प्रॉब्लम ये है कि सचमुच नेटवर्क नहीं है तो क्लास कितना भी अच्छा हो वो बच्चा सुन नहीं पाएगा, उसको अटेंड नहीं कर पाएगा। बट उसके ऊपर रेमेडी है कि आप रिकॉर्डिंग हम फ्री में अवेलेबल करके देते हैं यूट्यूब पे, वो आपको देखनी है तो मतलब क्लास मिस नहीं हुआ। अभी एक्चुअल फिजिकल क्लास और स्कूल में भी आपके थोड़ी फार तो छुट्टी होती है क्योंकि कहीं किसी को जाना है, कोई बीमार हो गया, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में अवॉइड हो रही है क्योंकि क्लास इज अवेलेबल एज एंड व्हेन यू वांट विथ रिकॉर्डिंग। मतलब रिकॉर्डिंग कभी भी अवेलेबल है, और अगर सही तरीके से आपको टाइम डिसिप्लिन रहते हुए अटेंड करना है तो आपको रेगुलरली जो टाइम दिया है वहां आपको प्रेजेंट रहना है बिफोर टाइम। अभी बिफोर टाइम हम लोग 1.5 साल से बोल रहे हैं और आज भी लोग हैं जो 5 मिनट से लेके 45 मिनट लेट आते हैं और फिर बोलते हैं मैडम प्लीज रिपीट करो, सर प्लीज रिपीट करो, सर मुझे ये नहीं समझा, और ये लोग फीस भी नहीं देते। ओके, दो दो तीन तीन महीने की फीस नहीं देते फिर बीच में छोड़ चले जाते। बट देन क्लास इज नॉट रनिंग फॉर दिस पीपल, क्योंकि क्लास का उद्देश्य पैसे कमाना है ही नहीं। क्लास का उद्देश्य है उन लोगों को टक्कर देना जो एजुकेशन इंडस्ट्री के नाम पे लाखों करोड़ों बेवजह कमा रहे। 1 साल के बाद अगर मुझे कोई पूछे, प्राइम मिनिस्टर भी पूछे, तो एक साइंटिफिक कम्युनिटी का मेंबर होते हुए भी मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि छोटे से बड़े तक सिर्फ पास होने के लिए 1 घंटे का दिन का पढ़ाई काफी। बट अगर आपको बहुत अच्छे से दिमाग का विकास करना है तो 1 घंटा जिसने भी पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, आपको समझा, आप प्रेरित हुए, तो आपको उसके ऊपर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा 18 घंटा अब्दुल कलाम एपीजे कलाम की तरह या अंबेडकर जी की तरह पढ़ के अपने आप को आप बहुत अच्छा एक्सपर्ट बना सकते। ये छोटे बच्चों के मामले में माँ बाप को समझ में आना चाहिए, बड़े बच्चों के मामले में ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों को खुद को, और जो उनमें निर्माण करने का काम है पेरेंट्स का और टीचर। तो इस ओपनिंग स्टेटमेंट जो अप्रोक्सीमेटली 7-8 मिनट की रही, इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक कुछ 2 मिनट देता हूँ, मैं बात करता रहूंगा। इफ यू हैव एनी नेगेटिव फीडबैक प्लीज पुट इन अ चैट बॉक्स, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उसको एड्रेस करूंगा। इफ यू हैव एनी पॉजिटिव रिमार्क्स नो नीड टू पुट इन चैट बॉक्स। पॉजिटिव आप लोग है ये हमको मालूम है, इसलिए साल भर तकरीबन 3-3.5 लाख का मेरा खर्चा होने के बावजूद भी वी कंटिन्यूड विद दिस ऑनलाइन क्लासेस। ये 3-3.5 लाख बहुत ज्यादा नहीं होता है बट बहुत कम भी नहीं होता है, क्योंकि सोशल वेंचर, सोशल वेंचर में ये होता है कि लोगों को जरूरत है तब तक अच्छा अच्छा बोलते हैं, बाद में तो डोंट फील ठीक है किया तो क्या बहुत किया, आपको तो करना चाहिए, आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट है तो आप थोड़ा बहुत किया कम्युनिटी के लिए तो क्या किया, ऐसे भी बोलने वाले लोग। बट यहाँ हमको वो नहीं चाहिए, वी आर गेटिंग सेटिस्फेक्शन बाई पॉजिटिव फीडबैक विच वी रिसीव्ड इन अ 5 पेरेंट्स मीटिंग। तो अभी हमको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत नहीं है। निगेटिव कुछ है कि सर ये ठीक नहीं हुआ, सर ये टाइम शेड्यूल का प्रॉब्लम है, सर यहाँ अभी सपोज हम क्लास कर रहे हैं तो फ्यूचर में स्कूल चालू होने के बाद क्या होगा, ऐसे कुछ भी क्वेरी है। मैंने यहाँ 5 पॉइंट लिखे हैं आपके सामने स्लाइड में है, ग्रीटिंग वाला पार्ट मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, सॉरी। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स वी नो 90% इज पॉजिटिव, 10% अगर निगेटिव है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। डिस्कशन ऑन करंट एकेडमिक सिनेरियो, इसके बारे में कि सर अभी क्या चल रहा है, 1.5 साल गया अभी क्या होने वाला है, सवाल है चैट बॉक्स में लिखिए, माइक ऑन करने नहीं दिया जाए। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, एजुकेशन बच्चे को गांव शहर से लेके अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचा के मानवता के लिए एक लायक उम्दा व्यक्तिमत्व बनाने के लिए माँ बाप के, स्टूडेंट्स के स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशंस है, ओ सॉरी एजुकेशन सिस्टम के, गवर्नमेंट के, जो आपके पीछे खास लगी रहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले,
उनके पेरेंट्स से और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है, ये मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ में। आपको भी कुछ ऐड करना है तो आप चैट बॉक्स में लिखें। इस निर्माण के लिए, इस कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचर एंड एजुकेशन सिस्टम, पेरेंट्स के स्पेसिफिकली कुछ है तो आपको वो भी लिखने हैं, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू डिफेंड एजुकेशन सिस्टम, आई विल ट्राई टू डिफेंड गवर्नमेंट कि अपने देश में इतना बुरा हालात नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं, और भविष्य क्या है शिक्षा का, स्पेशली ऑफलाइन एजुकेशन मतलब स्कूल कॉलेज में जाना, दूसरा है ऑनलाइन एजुकेशन, और तीसरा है नौकरी पाने के लिए आपको सक्षम बनाना। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी ग्रेजुएट होने के बाद, इसके ऊपर सोचने वाला बंदा हूं, क्योंकि बचपन से मैंने ये सोचा तो मुझे कभी नौकरी के लिए यहाँ वहां हाथ फैलाना नहीं पड़ा। एक इंटरव्यू दिया तो उसमें इंटरव्यू निकलते ही 90% मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि बहुत अच्छा गया है, मैं पास हो जाऊंगा, और 2-4 दिन में पोस्टल सर्विस का डिले देखते हुए घर पे कॉल लेटर पहुंचता ही था। भाई ये सब आपके बच्चों को उस लेवल पे लाना चाहूँ, स्पेशली मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में मेरे जो 3-3.5 हज़ार लोग रहते हैं, मैं उनके लिए ये करना चाहता हूँ। बट आप समझ सकते हो कि 10% पॉपुलेशन ही रिसेप्टिव रहती है, तो वो 10% ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देन अदर थिंग्स है जो मैं आपको बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने 10-15 मिनट लिए, यहाँ पे कुछ डाउट्स है। एक ही अच्छा डाउट है कुछ तो, दिस इज नॉट ए निगेटिव बट एट प्रेजेंट आई एम इन जापान एंड ओके माई चाइल्ड इज नॉट एबल टू ज्वाइन ट्यूजडे क्लास ड्यू टू टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड जापान, इज देयर एनी ऑप्शन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टाइम डिफरेंस इज 3.30 आवर्स। ये आपने सर बोला था पहले भी, मैं आपको जवाब देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये जो कोडिंग जिसका बहुत हवा है बेवजह, सॉरी मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअली इंटरनेट पे बहुत अच्छे से अवेलेबल रहता है, बट लोग 60-60 70-70 हज़ार रुपए भर के कर रहे हैं बड़े बड़े रिप्यूटेशन इंस्टीट्यूशन के यहाँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे भाई साहब को तकलीफ दूं जो अमेरिका में है और कंप्यूटर इंजीनियर, पिछले 25 साल से अमेरिका में, तो ही पॉजिटिवली टुक इट। तो जैसे उन्होंने पॉजिटिवली टुक इट किया, तो हमने लास्ट ईयर ये शुरू किया, बहुत लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो इस साल हमने शुरू किया। और एक राज की बात मैं आपको बता दूं, लोग टाइम डिसिप्लिन सिंसियरिटी नहीं रखते, इसलिए हमने पैसे डाले, बट वो कभी भी पैसे वाला क्लास नहीं था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ताकि जो आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है वो अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाए तो हम आपको सिर्फ सॉरी बोलेंगे तो भी आप फील करोगे कि ठीक है भाई फ्री में ही था, अच्छा पढ़ा भी रहे थे, कुछ इंटेंशन इनके अच्छे थे, तो टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, ये एक्सप्लेनेशन भी सही मिल जाए तो बढ़िया है। सो माई ब्रदर इज इन स्टेट कैलिफोर्निया एरिया, अभी उनका ये प्रॉब्लम है, उनको यही दिन मतलब ये हमारे लिए मॉर्निंग है तो इवनिंग है, तो उनको यही स्लॉट फ्री है इस काम के, उनके भी जद्दोजहद। उनका जो बड़ा बेटा है हु इज अबाउट टू एंटर इंजीनियरिंग, उसको वही सैटरडे का स्लॉट फ्री है, बाकी टाइम पे उसका स्कूल खेलना उतना ये सब चीज है। सो एचटीएमएल का क्लास हमने सैटरडे का इवनिंग का 8 बजे का रखा, और कोडिंग का पाइथन का क्लास हमने सर रखा सुबह का। ओके तो इसमें सर नहीं चेंज हो पाएगा टाइम, सिर्फ इतना ही कि आपको हर बार, नहीं तो मैं एक बार आपको वो जो प्लेलिस्ट है वो भेज दूंगा, वो यूट्यूब वीडियो का प्लेलिस्ट कंटिन्यूअसली अपडेट होता रहेगा, और आपके व्हाट्सएप में आप कंटिन्यूअसली उसको रेगुलर बेसिस बच्चे के साथ बैठ के देख सकते। तो इतनी ही हम आपकी अमित जी मदद कर सकते हैं, सॉरी वंस अगेन कि आप इतने दूर से हमारे क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। या प्लीज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, यू कैन स्विच ऑन माइक अगर आप बोलना चाह रहे हो, बाकी किसी ने माइक ऑन नहीं करना है क्योंकि क्वेरी को ही रिस्पॉन्स देना है। बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी? बोलिए। हाँ, वेल, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन अबाउट द योर टाइम लिमिटेशंस प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल फॉर दैट थिंग, एंड आई आल्सो थैंकफुल टू यू दैट यू एबल अलाउ मी टू वॉच योर लाइक वीडियो यूट्यूब वीडियोस फॉर माय किड। आई विल बी हैप्पी विद दैट ओनली, नो इश्यू फॉर दैट। बट आई रियली मिस दैट डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ योर ब्रदर एक्चुअली। दैट्स फाइन, वी विल डू वन थिंग, मैं भाई साहब को एक चीज बोल दूंगा कि ही विल समराइज समथिंग आफ्टर 1 month और 2 month और सो। आजकल यहाँ इंडिया में हालात ये कि लोगों को ऑनलाइन से परेशान,
सो दे जस्ट वॉन्ट वन थिंग की कभी तो ऑफलाइन स्कूल चालू हो जाए, सो दैट दे विल नाउ स्टार्ट लविंग ऑनलाइन कोचिंग. और कोचिंग में पे आना या मिनिमम पे देना उद्देश्य से हम चल रहे हैं. So thank you very much. Now we'll not take any feedback from you. We'll go with the other parents in case they want to say anything. कुछ नहीं बोला आप, मैं आहेर आप ये ऑफ कर दीजिए. Okay. Now we'll come to the discussion on करे संगीत कपलेला. कौन तो अब तुला जय हर नाव घेतलं. ऑफ करायला सांगितलं काय तरी ऑन कॅमेरा ऑन. अरे तुला नाही सांगितलं. माइक ऑफ केलेला आहे जय आहे तुमचा, प्लीज माइक ऑन करू नका. टेन्थचे विद्यार्थी आहात तुम्ही, रेग्युलरली सगळे क्लास अटेंड करता. वी आर सो हॅपी की तुम्ही सगळे फ्री क्लास अटेंड करता, कारण तुम्ही पेड क्लास पे फी देतात आणि वर्षभर तुम्ही येता. उलट तुमच्यामुळे आमच्या मनात एक संभ्रम निर्माण झाला होता की इफ समबडी इज अटेंडिंग क्लास सो रेग्युलरली, सो वेदर ही इज जस्ट पुटिंग दॅट मोबाईल अँड क्लास ऑन अँड वेदर प्लेईंग गेम्स ऑर वॉट. But we tried to clarify it from so many sources and we get to know that ki you are doing it well. Atha you are doing it well online madhe, we can check that much only. We cannot do beyond certain limits. Okay. So, you have to understand. There is one feedback request, sir. Just observation during few subject plus conversation explanation is more in Hindi or Marathi. Request maximum discussion. We agree. Nallavade madam, we agree totally that English medium kids are there, semi English medium kids are there, so they need to be taught in English, but then you have to respect one government policy which is coming and which is saying that students should be educated in their own mother tongue. Now in India, other than mother tongue, people are comfortable with Hindi. They understand, they interact. Manje mala Marathi nantar Hindi koni shikavla nahi. मी असंच हिंदी बोलायला लागलो. आणि समटाईम वेन आय डिलिव्हर लेक्चर इन युपी बिहार, पीपल से यू स्पीक सो नाईस हिंदी इन दॅट पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट दॅट एज इफ यू हॅव टेकन हिंदी एज अ युअर सब्जेक्ट फॉर युअर ग्रॅज्युएशन. सो इट्स समथिंग लाईक हिंदी पीपल अंडरस्टँड. लेट स्टुडंट अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. अंडरस्टँडिंग कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टंट. गेटिंग देम प्रॅक्टिस, गेटिंग देम रेग्युलरली रुटीन इन टू स्टडी इज अ पेरेंट्स अँड टीचर्स कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी. Language, English is concerned. English is a language to excel in complete scenario of now present professional world. That can be discussed. That is why we have English speaking class. That is why we have so many other things which go together. We specifically see to it that teachers are from the Marathi background so that they can speak Hindi, Marathi, English and student gets benefited. So Nalavade madam, we respect your opinion, but you have to understand that when government is very strict that people understand their vernacular or mother tongue very well, we have to respect this public opinion which is accepted in the global terms. So, jo global terms mein acceptable aur sahi hai, usko humme follow karna hoga. To Hindi, English combined chalega, saath mein thoda Marathi chalega, kyunki apne paas 95% student Maharashtra se. To humko ye karna padega, jabki main global level pe sochta hoon, but ye hume karna padega, to please bear with us. Now coming to discussion on current academic scenario ye hai ki mujhe nahi lagta ki aur agle 2-3 mahina school shuru hone wala hai, so you will be missing not only your first unit test, aap aapka semester matlab samahi paryant schools dar jhale nahi, so now please get used to what is happening. Main aapko bar bar bolta rehta hu, एक घंटा दिन में कोई पढ़ा रहा है तो वो सिलेबस साल भर का अच्छे से 8-9 महीने में कवर करता है. आई एम बिट कंफ्यूज कि स्कूल कॉलेज में साल भर पढ़ाया जाता है 5-5, 6-6 घंटा, तो एग्जैक्टली सीन क्या है? सीन ये है कि टीचर्स बहुत अलग काम के लिए भी लोडेड रहते हैं, सरकार भी एजुकेशन सिस्टम में कुछ और बहुत सारे काम और फंक्शंस और डेज डालती रहती है. यहाँ सिर्फ पढ़ाई होता है, 7 बजे क्लास शुरू हुआ, 9-8 बजे बंद हो गया, सिर्फ पढ़े. तो ये टाइम जो इफिशियंटली यूज होता है उसकी वजह से शायद सिलेबस ठीक से कवर होता है. ऐसे में करंट सिनेरियो जो एकेडमिक है कि आप इसको आदि हो जाओ, यूज टू हो जाओ. क्यों? क्योंकि शायद भविष्य में बहुत सारे पैसे, बहुत सारा ट्रेवलिंग, बहुत सारा इन्फेक्शन, बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज से बेयर करने के लिए या बचने के लिए आपको ऑनलाइन मोड ही काम आएगा. तो अगर ये ऑनलाइन मोड काम आने वाला है तो ये मोड आगे बहुत यूज होगा,
और जब एजुकेशन सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा नहीं होगा ज्यादा, तो शायद एजुकेशन सिस्टम भी खर्चा थोड़ा कम करेगा और एजुकेशन जो है वो थोड़ा सस्ता हो जाएगा। आप बोलोगे फिर प्रैक्टिकल्स का क्या? तो प्रैक्टिकल्स पे मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी का माइक ऑन है वो जरा ऑफ कर दीजिए। तो आपको एक समझना होगा कि आज यूट्यूब पे अगर छोटी छोटी बात का भी आप 3D वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। आपको सवाल पूछना आना चाहिए। एक मिनट, किसी ने माइक ऑन किया है, उनको मैं बंद करता हूँ। विकास धुमान, एक छोटी रिक्वेस्ट है, आपको मीटिंग सीरियसली नहीं अटेंड करना है। आप घर पे टीवी देख रहे हो, गप मार रहे हो, कुछ मस्ती कर रहे हो, तो मीटिंग पे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बहुत बार आगे जाके बोलता हूँ जो आपको ऑफेंसिव लगा, क्लास भी करने की कोई जबरदस्ती नहीं। यार मतलब आपको इंटरेस्ट है तो हमको आप में इंटरेस्ट है, और यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप जाके लाख रुपया 1000 रुपया दे दो कहीं, और वहां पे एक वाइल्ड इमेजिनेशन में जियो कि भाई बहुत अच्छे से बच्चे की पढ़ाई हो। ओके, इंटरनेशनल स्कूल में डालने वाले माँ बाप का यही हाल होता है कि दे फील कि बहुत अच्छे से पढ़ाई हो। पढ़ाई अच्छे से होने के लिए संस्कार जरूरी है, और उसमें माँ बाप में संस्कार होना चाहिए कि टाइम डिसिप्लिन, कुछ बताया कि अभी माइक ऑफ रखो, या किसी ने बताया कि आप गूगल मीट का इस्तेमाल करने के पहले आप खुद सीखो, घर में जो पेरेंट्स है या रिलेटिव है उनके साथ प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस किए बगैर कोई कहीं नहीं एस्टेब्लिश सक्सेसफुल होता है। तो ये आपसे नहीं होता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रहा था कि करंट एकेडमिक सिनेरियो यही रहेगा कि चीजें ऑनलाइन चलेंगी, ऑनलाइन के बाद जब ऑफलाइन आएगा तो फिर से पुराने रूटीन मोड में चला जाएगा। आपको रनअवे एक ही रहेगा कि जो आप कोचिंग वगैरह पे खर्च करते हो, वहां बच्चों का जो वक्त जाया होता है, वहां पे आप ये ऑनलाइन कोचिंग ट्राई कर सकते हो। एंड जो महंगे क्लास है वो इतना अच्छे से एनिमेटेड तरीके से पढ़ाते हैं कि मैं आपको बोलूंगा कि अफोर्ड हो रहा है, बच्चा सिंसियर है। आप बच्चे के साथ बैठते हो तो आपको हमारा क्लास करने की जरूरत नहीं, वो हाईफाई क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि आप पैसे तो बच्चे की पढ़ाई के लिए कमा रहे हो। तो वो अच्छे हाईफाई क्लासेस जहाँ पे बहुत ही एनिमेटेड तरीके से पढ़ाते वो ज्वाइन करो। बट इन केस यू वांट टू फाइंड कि बाहर सर एक 40,000 का 10वीं का क्लास है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ज्वाइन करूँ कि आपका 8,000 का ज्वाइन करूँ, तो मैं आपको 100% बोलूंगा कि आपको हमारा ज्वाइन करना चाहिए। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, टीचर सब PhD होल्डर और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पढ़ाते हैं, मराठी हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज के बहुत सारे एक्स्ट्रा और क्लासेस आपके लिए होते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको ऐसा छोटा मोटा ऑनलाइन क्लास जो क्वालिटी कॉन्शियस है, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ चल रहा है, वो ज्वाइन करना। तो ऑनलाइन का आपका अभी ऑनलाइन की नहीं छोड़ना है, आपको अभी ऑनलाइन मोड 50% आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके खुद के अवेयरनेस के लिए, आपकी किताबें पढ़ने के लिए, आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम समझने के लिए। क्योंकि जब डॉक्टर के साथ बैठो तो वो कुछ ऐसी बात ना करे जो आपको ऐसे लगा कि इनको तो बहुत पता है मुझे कुछ नहीं समझ। आप उनको सही ढंग से पता कर पाओ कि भाई आप जो बोल रहे हो सर ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो पैसे भर के डॉक्टर बने। तो ऐसी कई चीजें, वकील भी ऐसे हैं, मैनेजमेंट वाले भी मिलेंगे, मार्केटिंग वाले भी मिलेंगे। तो आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, बच्चे को साथ में लेके ये ऑनलाइन तरीका नॉलेज पाने का, खुद को मेंटली सक्षम बनाने का बहुत अच्छा हमको पैंडेमिक ने दिया। पहले था, हम यूज नहीं कर रहे थे, अभी हमको जबरदस्ती यूज करना पड़ा तो हम उसके आदी हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक, एनीथिंग, नथिंग। सो एकेडमिक सिनेरियो के बारे में आपकी कुछ सवाल है कि सर आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो आप प्लीज पूछिए। मैं जाता हूँ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट कर रहा हूँ। आपको ये रिपीटेशन सहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 पेरेंट्स मीटिंग की प्लेलिस्ट मैं आपको डाल दूंगा, ये नई प्लेलिस्ट बनेगी 2021-22 की, ये भी आपको डाल दूंगा। बट उसमें मैंने एक ही चीज रीइटरेट किया, पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से ऑनलाइन सिनेरियो में और एजुकेशन सिस्टम के ऑफलाइन मोड में एक्सपेक्टेशन यही है कि नर्सरी से 5th तक बच्चा जब पढ़ रहा है, उसको कोई पढ़ा रहा है, तो एक विजिलेंट और समझदार और जिम्मेदार पेरेंट उसके साथ रहे। ऑनलाइन मोड में ये हो रहा है तो कभी कभी हमें भी फीडबैक मिलता है कि मेरे बच्चे को आप जो एस्ट्रोनॉमी का क्लास लेते हो वो अच्छे से तो नहीं समझ में आता है क्योंकि बहुत छोटा है। But then he tries to search those words on internet, concepts on internet. उसका जो interest है वो ढूंढने के लिए उसको एक कहीं तरीके किसी तरीके से
चालना, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ऑनलाइन मोड, पेरेंट्स को साथ में बैठ, पेरेंट्स साथ में नहीं तो बच्चा भाई कौन करेगा, अपने तरीके से मस्ती करना चालू कर देगा। वही बच्चे जो पहले दो क्लास में बहुत होनहार लायक थे वो बाद में भूल भी गए कि मैंने क्लास ज्वाइन किया। फर्स्ट रीजन इज क्योंकि फीस नहीं थी, दूसरा रीजन है कि माँ बाप आजू बाजू में नहीं, और तीसरा रीजन है कि माँ बाप ने बच्चों को समझा ही। बच्चों को समझना जरूरी है जब आपने उनको जन्म दिया, कि बच्चों का माइंड बहुत फिकल रहता है और वो आजकल का जो बाहर सोशल एनवायरनमेंट में उसमें इतने स्टेबल और मैच्योर और शांत दिमाग नहीं रह पाते, उनको बनाना पड़ता। तो पेरेंट्स को साथ में बैठ के उसको बहला के घुसला के इनकरेज करते हुए अच्छी स्टोरीज बताते हुए, जिन पेरेंट्स ने बच्चों का साथ दिया ऑनलाइन क्लास में पिछले एक साल में, उनका परिवर्तन इतना अच्छा है कि एक बच्ची हमारी सीबीएसई क्लास की थी उसको 95% आए या 97% आए, पेरेंट्स बैठते हैं। अभी आप बोलोगे सर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में 95-96 आते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये आते हैं बट आते नहीं भी तो है। तो ऑनलाइन मोड में बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको दो तीन चीजें समझ में आए कि ऑनलाइन नाम की कोई चीज है, सब कुछ मोबाइल पे होने वाला है, एग्जाम भी मोबाइल पे होने वाला है, ओरल भी मोबाइल पे होने वाला है और उसको मुझे फेस करना है। ये नहीं बोलना सर समझा नहीं, प्लीज रिपीट करो, सर आपकी लैंग्वेज ही समझी नहीं, सर मेरा नेटवर्क खराब है करके झूठ नहीं बोलेगा। तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बच्चे एक्सपोज हो रहे, जो हम उम्र की 40-45 साल में एक्सपोज हो रहे उसको ये बच्चे तीसरे साल में जिंदगी के, मतलब नर्सरी का बच्चा जब कोई चीज रिसाइट करता है या रिस्पॉन्स देता है टीचर को अच्छे से, या पोएम बोल के मोबाइल पे दिखाता है कि अरे सामने कोई है जो सुन रहा है, ये हमारे लिए एकदम शॉकिंग है। आप जरा कभी अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या हम ये कर पाते? कोई पहचान वाला या रिलेटिव घर पे आता और हमने 10 बार रटी हुई पोएम भी बोलते थे, बेटा बोल के सुनाओ, तो हम मुंह मतलब क्या, बहुत सारी भावनाएं उस कंडीशन में, डर शर्म और ये सब चीज में बोलते नहीं थे। आज मोबाइल पे बच्चे बोल रहे थे दे आर अचीविंग लॉट। आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन है, प्लीज प्लीज बी विद अ स्टूडेंट व्हेन ही इज इन क्लास एटलीस्ट ऑनलाइन, और आपको समझ में आ जाएगा कि सही क्लास कौन सा है, गलत क्लास कौन सा है। स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है प्लीज माँ बाप को उल्लू मत बनाइए, आप मोबाइल ऑन करके क्लास में प्रेजेंट होने का नाटक करेंगे और बाजू में लैपटॉप में गेम खेलेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली वेस्टेज। व्हाट्सएप पे आप एक दूसरे को मैसेज करते रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। कुछ पेरेंट कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे मिले हमको इस साल में कि दे प्रॉम्प्ट अस, हमारे घर पे हॉस्टल है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे रहते हैं, किसी से कुछ नहीं लिया जाता, 60-70 बच्चों की कैपेसिटी है, बट क्लासेस हम नहीं चला रहे थे क्योंकि ये महंगा मोड था। अभी ऑनलाइन मोड में हमको इतने अच्छे अच्छे टीचर मिल गए, इतने सस्ते, बोल के आप अच्छा खेल करें। तो अभी क्लास चल रहा है, बाहर जिनकी फीस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और रहने खाने के साल के 1-2 लाख होते थे, वो क्लास हमारा 5 साल चलेगा, 800 से 1000 घंटा पढ़ाया जाएगा। 9वीं क्लास से या 8वीं क्लास से हम एडमिशन करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक बच्चा देना चाहता है यूपीएससी एमपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब तक उसका एडमिशन वैलिड रहेगा, भले मिनिमम हमारी तरफ से कमिटमेंट है 800 घंटे का। तो ये नए जमाने में हो रहा है, एक होनहार बच्चे के लिए जिसके सपने हैं वो सपने साकार करने के लिए वो सो के सपने नहीं देखता है, मेहनत करके रात की नींद दिन में तब्दील करता है। तो ये जिन माँ बाप को बच्चों को समझ में आ गया उनको ये समझ में आ गया होगा कि संतोष टकले का हो या एजुकेशन सिस्टम का हो या गवर्नमेंट का हो या मानवता का हो, वो पेरेंट्स से स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन यही है, प्लान एंड ट्राई टू फॉलो योर ड्रीम बाय हार्ड वर्क सिंसियरिटी एंड जेन्युइन इंटरेस्ट, ये आप करेंगे ये उम्मीद है। आपके एक्सपेक्टेशन टीचर से एजुकेशन सिस्टम से क्या है वो आपको लिखने थे, आपने लिखे ही नहीं है, प्लीज लिखिए, तब तक कुछ लिखे हुए है। विल दिस ईयर 10th स्टैंडर्ड बी कंसिडर्ड एज अ बोर्ड, भूमि पवार जी, आप अविघ्ना पवार जी, यू आर वन ऑफ द सिंसियर पीपल जो हमारे क्लास में सिंसियर, क्योंकि जिसने साल भर क्लास अटेंड किया, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, कभी हमारे इधर साइक्लोन, कभी आप क्या, तो वी अप्रिशिएट यू बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल कि बोर्ड होना न होना ये पुराने जमाने की बात, अभी नए जमाने का मोड क्या है सिलेक्शन का, एग्जाम क्या एग्जाम, जैसे पहले
मैनेजमेंट के लिए सीईटी होता था, कैट होता था, इंजीनियरिंग के बाद एमटेक करना है तो गेट होता था, बाहर जाना है यूएसए तो जीआरई टॉफल होता था, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आईलेट्स होता था, ऐसे कई एग्जाम बड़े लोगों के लिए थे। धीरे धीरे वो आ गए, 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाना है तो सीईटी है, या फिर उसका नहीं बोला तो आईआईटी जी मेंस एडवांस, फिर इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए जाना है तो नीट। अभी तो बोल दिया भाई एग्जाम एग्जाम छोड़ो, 11th के बाद भी, 10th के बाद भी 11th के एडमिशन के लिए आपका सीईटी होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके बच्चे के एक स्टैंडर्ड के मार्क्स, उसकी सिंसियरिटी, जेन्युइन, उसने कितने एफर्ट्स लिए, वो है बहुत अच्छा। बट सीईटी के लिए तैयारी करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे ने अब तक जो पढ़ा वो उसके सीईटी में आने वाला। जैसे मान लेते कि 11th की सीईटी बड़ा हॉट टॉपिक है, ओके, तो 11th की सीईटी का यू नो क्या है सिलेबस, 10वीं क्लास का सब सब्जेक्ट। बट वही आप बोलोगे 12वीं की सीईटी या नीट या जी मेंस एडवांस का क्या है, ऑलमोस्ट 80-90% 12वीं का सिलेबस, बट कुछ जो ट्रिकी एग्जांपल्स है वो है जो बच्चे ने अपने दिमाग का विकास करते हुए एनालिटिकल मेंटल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी एप्टीट्यूड ये सब तैयार किया, कब, जब वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के दौर से गुजर रहा था। तो 12th में ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनके 95-96% आते हैं और सीईटी के जी मेंस के मार्क्स इतने कम आते हैं कि एडवांस के लिए वो क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। तो वी आर थिंकिंग, छोटे मोटे क्लास हम ऑलरेडी चालू किए, एफसीसी करके फाउंडेशन है जो बच्चों को स्कॉलरशिप और बाकी सब एग्जाम के लिए, मतलब होमी बाबा या फिर ओलंपियाड के लिए तैयार करता है। 9वीं 10वीं से हमने शुरू कर दिया, यूपीएससी एमपीएससी 9वीं 10वीं से ही शुरू करेंगे इस साल में, जी मेंस का और एडवांस का प्रिपरेशन। ऑलरेडी गेट के क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ऑलरेडी जेआरई और टॉफेल और आईलेट्स प्लान में है और कैड भी प्लान में है। बट ये सब के लिए इतना खर्चा होता है कि प्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन एकेडमिक्स नर्सरी टू 12th। तो आप जो बोल रहे हो बोर्ड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा या होगा ये मैं तो कमेटी में नहीं हूं तो मैं स्ट्रांगली नहीं बता सकता, बट एक बता सकता हूँ, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैडम और सर। नाउ रिक्वेस्ट फ्रॉम मोटे मैडम, सर इफ यू टेक मंथली टेस्ट ऑफ एवरी सब्जेक्ट दैट विल बी बेटर फॉर स्टूडेंट। एक्सलेंट, वी आर टेकिंग टेस्ट, जो होमवर्क भी देते हैं गूगल क्लासरूम द्वारा वो भी बच्चे सिंसियरली करें। और आजकल मोटे मैडम आपका बच्चा हमेशा ही लेट क्लास में आता है, नाउ ही मे बी बेसिंग विद सम अदर कमिटमेंट, क्योंकि आप वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स हैं, मैं झूठ तारीफ नहीं करता, आपने साल भर देखा मैं कैसे बात करता हूँ, कितना ऑफेंसिवली कभी कभी बात करता हूँ, बट आपके बारे में हम पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आप समझते हैं कि हाथ मतलब एक के साथ एक मिल जाएगा तो ही ग्रुप बनता है, ग्रुप से आगे चीजें चल। बट व्हाई ही इज नॉट कमिंग ऑन टाइम इज नॉट क्लियर। इफ यू थिंक जस्ट अपीयरिंग फॉर एग्जाम विल हेल्प, देन लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, हम उस जमाने के लोग हैं जो मैं गांव में था, जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा, फिर आगे जाके एक सिंपल इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग किया पैसे बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे सब फ्री था, तो फिर भी बीआरसी में हूँ और अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूँ। आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी का उतना नाम नहीं होगा जितना मुझे मेरे बारे में आपको गूगल पे और इंटरनेट पे मिलेगा, बिकॉज आई एम रनिंग टू इम्पोर्टेंट टीम। एक मेरे टेक्निकल फील्ड में मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके उसमें मास्टर हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं जो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, और एक सोशल फील्ड, उसमें भी मैं काम में एक्टिव हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस हाथ ले तो उस हाथ देना भी चाहिए, और उस फील्ड में देना चाहिए जो आपका इंटरेस्ट है, और मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन और साइंस। तो इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करिए, एग्जाम जो रेगुलरली हो रहे हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं कुछ क्वेश्चन पेपर मिला, आपको लगा कि आपने उसको प्रद्युम्न को बताया, तो फॉरवर्ड इट टू वैशाली मैडम। वो क्या होता है कि मतलब जो डॉक्टर का जो चीज है एडवाइस है वो डॉक्टर देने से ही होगा, इवन नर्स या कंपाउंडर भी देगी तो नहीं होगा। तो आप पेरेंट्स को, तो आप बच्चे तो हमेशा माइक ऑफ रखिए। हाँ तो पेरेंट्स को जो भी लगता है आप हमको फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे टीचर्स तो कर ही रहे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम देते हैं उनको 100 रुपीज पर आवर, जो इस साल पहले तो 50 रुपए देते, अभी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम उनसे नहीं रखते, वो 1 घंटा अच्छे से पढ़ाते यही बहुत। ओके, ये क्लास में अगर सपोज साल का 3000 घंटा होता है और उसको आप 100 रुपए से 3 लाख रुपए मेरे जेब से जा रहा है, ऊपर से अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारे करने के पीछे एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं माँ बाप को भी एक सपोर्टिव टीचर रोल में आना है।
सिर्फ उनको आपको उनसे इंटरेक्ट नहीं करना, आपको हमसे इंटरेक्ट करना है। वैशाली मैडम इज फुल टाइम डूइंग दैट ड्यूटी, आप ऐसा बोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सोच रहे होंगे कि संतोष टेकले एक सोशल वेंचर चल रहा है, कितना काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आइडियाज देता हूँ। उसके पीछे 8 घंटा बिजी रहती है मैडम अपार्ट फ्रॉम आर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो इन पॉजिटिव मैनर। आप ये सब चीजें जो है क्वेश्चन पेपर उनको फॉरवर्ड कर सकते हो, बट देन गिविंग यू रिस्पेक्ट, हम इस चीज पे गौर करेंगे कि ज्यादा एग्जाम्स हो। ओके, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आई हैव एन ओपिनियन, सो कैन आई ऑन माइक? जय आहिर, माइक की बिल्कुल ऑन करने की जरूरत है, या पेरेंट्स आपको भी नहीं माइक ऑन करने की जरूरत, आपको चैट बॉक्स में ही लिखना है। ओके, कुछ चीजें आप समझिए, क्योंकि क्या होता है ना, लोग बोलना चालू करते फिर वो रुकते नहीं है, ये भी एक थोड़ा बुरा अनुभव रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, माई डॉटर हृदय इज इंजीनियर के जी, इज दिस राइट टाइम फॉर हर टू लर्न जर्मन और अदर लैंग्वेज? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए, आपने हमारे क्लास में एडमिशन ले ली, जर्मन क्लास आप करने जाओगे बाहर, सर या मैडम जो भी सुन रहे, इट इज 15,000 रुपीज, क्योंकि दोनों टीचर जो पढ़ा रहे हैं 15,000 से 35,000 के बीच में उन्होंने उनके क्लास का फीस दिया, जापानीज और जर्मन। अभी ये क्लास आपको फ्री है, आपको सिर्फ क्लास में बैठना है माइक और वीडियो ऑफ करके, एंड यू कैन पुट एवरी टाइम इन चैट बॉक्स कि माय डॉटर इज इंजीनियर केजी, एज सर हैज रिक्वेस्टेड अस टू जॉइन दिस, सो वी आर पुटिंग हर इन क्लास, हम पेरेंट्स भी बैठते हैं। आपको अगर आप कुछ उसको सवाल पूछोगे तो यू मे नॉट गेट रिस्पॉन्स टेम्परली, जब तक हम ना बोले आप सवाल मत पूछिए इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, तो आपका काम खत्म हो गया, आपको सुनना है। कभी कोई क्लास मिस कर गया तो यूट्यूब पे वीडियोस है, उसको ढूंढना है या मुझे पिंग करना है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो आप थे गौरव पाटिल जी, आप इतना पॉजिटिव है, तो यू आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और पेरेंट ऑफ अवर क्लास, क्योंकि जो सोचता है वही कर पाता है। तो यू आर फ्री, प्लीज ज्वाइन द बोथ क्लास, एक थर्सडे को 5 बजे होता है, जर्मन लैंग्वेज वाली मैडम पीएचडी परस्यू करने वाली स्टूडेंट है, तो और बहुत एनर्जेटिक भी है, तो आपको थोड़ा एक चीज करना पड़ेगा, और वो है उनके टाइम के हिसाब से क्लास होता है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने उस क्लास की फीस 2400 रुपया दी है, फिर भी वो बेचारे एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वारंग जी बोल रहे हैं, सर माई चाइल्ड स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 7 जून ऑनलाइन फ्रॉम 8:30 AM, सो जस्ट वॉन्टेड टू नो हाउ द वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी गिवन एंड विल इट बी सेम डे? दूसरे दिन मिलेगा वारंग जी, और आपके बच्चे का क्लास अगर इस पीरियड में मैच हो रहा है, ऐसे करते हुए अगर सपोज एक 4 बच्चे या 5 बच्चे क्लास में और 3 बच्चों का वैसा क्लैश हो रहा है, हम क्लास का टाइमिंग ही चेंज करेंगे। ओके, हाँ एक मिनट होल्ड करिए जरा वारंग जी, आप अपनी क्लास का टाइमिंग डाल दिए। आप यू आर टॉकिंग अबाउट कोडिंग क्लासेस, तो कोडिंग क्लासेस के वीडियोस आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, डोंट बॉदर एट ऑल। ओके, लतिका रावत जी, सर आर यू गिविंग ट्यूशंस फॉर 11th एंड 12th साइंस? आपको जान के हैरानी होगी रावत मैडम, 11th की पिछले साल की हमारी फीस थी 10,000 और स्टूडेंट था एक और 4 फ्री स्टूडेंट, और वो 4 फ्री स्टूडेंट को साल भर में फील नहीं हुआ, जबकि उनको तनुजा मैडम पढ़ा रही थी, संदीप पटेल जी अमेरिका से पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, इतना टॉप क्लास टीम पढ़ा रहा था, एंड ओनली वन स्टूडेंट पेड 10,000 रुपीज, एंड हमारी तरफ से सारे टीचर्स का खर्चा हुआ 20,000-25,000 रुपए। तो 12th का क्लास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 12th की फीस है अभी 17,500 रुपया, बट देन वी आर नॉट फाइंडिंग 5 स्टूडेंट, ताकि उनके पैसे जब आए तो वो टीचर्स को चले जाए, टीचर्स एवरी टीचर विल नॉट वर्क फॉर 100 रुपीज पर आवर, तो वो क्लास नहीं हो रही। 11th का क्लास 100% होगा, इवन 10th के बाद जो 11th के लिए सीईटी देनी है उसका भी क्लास होगा, भले ही उसके पीछे हमें नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि बाहर हजारों तो जरूर, मतलब 10,000, 20,000, 30,000 जरूर लेंगे, वी विल नॉट बी टेकिंग दैट मच मनी, वी विल बी टेकिंग हार्डली 1,000, 2,000, 3,000, ये सीईटी की बात कर रहा हूं। और क्लास की 11th की फीस नॉर्मली 10,000 के आसपास या 12,000-15,000 के आसपास रहेगी, वो क्लास शुरू होगा, आप चिंता मत करिए। सर गुरुवेश वॉन्टेड टू ज्वाइन पाइथन कोडिंग क्लास, अभी किरण बडगुजर जी आपके घर पे आके तो मैं उनको नहीं सिखा सकता हूँ, आपको मैंने सारी चीजें डाल दी, ग्रुप ज्वाइन करना था वो ग्रुप भी आपने ज्वाइन किया होगा। सी सर्टन थिंग्स आर नॉट फॉर इंडिविजुअल, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, कुछ लोग स्पेसिफिक है, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि ना वो स्पेसिफिक समथिंग गोइंग टू हैपन टू मी बिकॉज प्रोबेबली वी आर मतलब ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये जनरल पब्लिक के लिए क्लास है, मतलब गांव में रहने वाला
लेबर क्लास व्यक्ति भी अगर बच्चे के लिए कुछ भला करना चाहता है तो एक क्लास पहले उसके लिए है। बट रूल्स क्या है, कोई भी क्लास एस्टेब्लिश होता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है डेमो का, उसमें आपके बच्चे का एनरोल होना है, एक गूगल फॉर्म भरना है, वो एडमिशन हो गया, वो हमारे लिए डाटाबेस हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग पहले कुछ डेमो करवाते हैं और उस डेमो होने के बाद उनको मेन ग्रुप में डाल देते हैं और सारी इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में कंटिन्यूअस बेसिस मराठी और इंग्लिश में डालते रहते हैं। अभी ये इंस्ट्रक्शन आप सुन नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या किया जाए? वी हैव मेड क्लासेस फ्री फॉर सम स्टूडेंट हु आर फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज क्लास, बट कुछ बड़े लोगों के लिए भी हमने फ्री रखी, ये सोच के कि भाई शायद उनका बच्चा इतना छोटा है कि उनको चीजें समझ में आए ना आए तो क्यों अननेसेसरी पैसे लेने, वो इंटरेस्ट ले रहे सिंसियरली, यही बड़ी बात। बट सिंसियरिटी इज मिसिंग एंड दैट इज व्हाई इंस्ट्रक्शंस आर मिसिंग। वैशाली मैडम दिन में अगर 7-8 घंटा दे रही है और इंस्ट्रक्शन इशू करती है, मैं भी खुद इंस्ट्रक्शन डालता रहता हूँ, एंड दिस इज कम्प्लीटली इन लॉस क्योंकि प्रॉफिट में हमको कभी जाना ही नहीं, फिर भी लोगों का इतना जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है कि उनको लगे कि भाई आपके बच्चे बाहर 2-2, 3-3 लाख रुपए का क्लास करते हैं। मुझे मालूम है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको बड़ा मजा आता है कि मेरे बच्चे की क्लास के 10th की फीस 3 लाख रुपया है और स्कूल की फीस 4 लाख रुपया, तो मैं 7 लाख खर्च कर रहा हूँ, वो कहाँ से आ रहा है कैसा आ रहा है इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने देश का बड़ा प्रॉब्लम। जबकि एजुकेशन सिस्टम शुड बी वेरी प्लेन, एक बेसिक एजुकेशन के लिए कुछ इस तरीके के बेवजह खर्चे नहीं हो, बट ये चीज में लोग इतने बिजी कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि समबडी स्टार्टिंग सम सोशल प्रोजेक्ट विद अ इंटेंट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो आपको आपकी सिंसियरिटी तो रखनी होगी ना, व्हेन यू आर इन सम क्लास यू आर पेरेंट एंड योर किड इज स्टूडेंट, टीचर बोल रहा है उसमें कुछ गलत है तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो चुपचाप सुनना है और फॉलो करना है। जो ठीक से फॉलो करना सीखता है बचपन में तो उसको हम थोड़ी डिसिप्लिन बोलते हैं कि बच्चे में डिसिप्लिन आ गई, तो ये डिसिप्लिन आपको रखना है। आपका हाई एनर्जी होना, आपका बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड है, ये सब चीज में हम ज्यादा कुछ नहीं करना। ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सबको बोल रहा हूँ जो 20 मिनट 30 मिनट, जैसे एक साइली माने करके स्टूडेंट हमेशा 15 मिनट 20 मिनट जनरल जो अच्छे क्लास चलते हैं जैसे नॉलेज आवर वगैरह, वहां लेट आएंगे और बोलेंगे मैडम प्लीज रिपीट करो, सर प्लीज रिपीट करो, या आपके लिए क्लास नहीं हो रहा, आप फीस दे रहे हो नहीं दे रहे हो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, 400-500 रुपए में क्या है, वी आर जस्ट स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज, तो वेयर वी आर इंटरेस्टेड इन योर छोटा सा मनी। बट वो भी तो आप टाइम पे कर रहे हो कि नहीं, वो थोड़ा देखिए ना, और फिर यू विल कीप इरिटेटिंग टीचर, कीप इरिटेटिंग होल क्लास, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो आप सब लोग पक्का दिमाग में रखिए, हमारे पास 100 स्टूडेंट है, क्लासेस तकरीबन 20 है और उसमें कई 2 स्टूडेंट है, कई 3 स्टूडेंट है, कई 4 स्टूडेंट है, कई 5 स्टूडेंट है, हम उनसे खुश है क्योंकि वो हमसे खुश है, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है अगर उनको हम पसंद नहीं है, बट इनकेस यू फील इट इज यूजफुल प्लीज बी कंटिन्यू। ओके, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है जो आपके समझ में नहीं आती, सिर्फ आप कुछ लोगों का ईगो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का इनसिंसियरिटी का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का कि फ्री में भी होगा तो भी हमारी सारी चीजें सुननी चाहिए बेवजह की बेतुकी चीजें जो हम नहीं सुनते। ओके, नाउ कम टू द एनी अदर क्वेश्चंस, नहीं तो नाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पिछले 5 मीटिंग में मैं बोल चुका हूँ, गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से कुछ रूल्स और कुछ ब्लॉकिंग किया, मतलब ब्लॉकिंग मतलब ग्रुपिंग किया स्टैंडर्ड्स का, कि इसमें बच्चों की सही मायने में ग्रोथ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस पर्टिकुलर पॉलिसीज विल हेल्प टू ग्रो स्टूडेंट। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में जो 50-60% टीचर नकारे हैं कि उनको पढ़ाना नहीं, उनको एजुकेशन सर्विस है ये समझ में नहीं आता, उनको ये नहीं समझ में आता कि उससे बच्चे ग्रूम हो रहे हैं और देश का भविष्य और मानवता का भविष्य का निर्माण होने का एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऐसे टीचर्स जो है एजुकेशन सिस्टम में उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है, नहीं तो ये नई शिक्षा पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। फ्यूचर यही है कि मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल गो ऑनलाइन, बहुत सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी, सस्ती होगी, कम खर्चीली होगी, बट जैसे ही इसमें भी इंडस्ट्रियल टाइप का या भांडवलशाही का उदय होगा तो पैसे चार्ज करना चालू करेंगे, तब तक आपको उन सब लोगों को मदद करनी है। जैसे महाराष्ट्र के जिला परिषद के स्कूल के टीचर्स ने जितने वीडियो बनाए और फ्री ऑफ कॉस्ट वेरियस ग्रुप पे डाले, उतने तो ना किसी इंटरनेशनल स्कूल ने डाले, ये आपको जान के हैरानी होगी। और इसी एक सोच और रिस्पेक्ट के तहत हमने ये क्लास कंप्लीटली जिला परिषद के स्कूल के लिए फ्री कर, और यू विल बी शॉक टू नो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको लगता है कि 10वीं का बच्चा भी जिला परिषद के स्कूल में पढ़ता है क्योंकि उनको फ्री में चाहिए। फ्री में इसलिए चाहिए कि जब चाहे अटेंड किया, नहीं चाहे नहीं अटेंड, बट ये निगेटिव साइड है
जो कॉन्टेक्ट हमको सर्व किए उनमें से 90% लोग, बट 10% इतने इंस्पायरिंग है कि उन्होंने एडमिशन लिया, फीस दी और फिर अपने छोटे बच्चे का पे एडमिशन किया एंड बोला कि सर इसकी भी चाहिए तो फीस दे देते। तो दैट प्रोएक्टिवनेस, ये जो पॉजिटिविटी का गेस्चर है ना, ये हमको इंस्पायर रखता है। आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, मैं पूरे देश भर में घूम के पिछले 25 साल में 3000 लेक्चर दिए हैं, मेरे जेब से कम 40-50 लाख रुपया खुद का खर्च किया है। एडवर्स कंडीशन, ट्रेवलिंग की सेफ्टी, वहां का रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बच्चों के साथ इंटरेक्ट करो, करवाओ मुझे, बट एवरी टाइम बच्चों के नजर में जो स्पार्क दिखा, टीचर्स को जो मेरे से इंटरेक्ट करने के बाद मजा आया, उसमें मेरे पैसे, मेरे थकान सब कुछ वसूल हो। और इसी प्रेरणा के तहत हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया जिसकी लीडिंग मैं कर रहा हूँ, बट चला रहे हैं वैशाली मैडम और उनकी टीम, जिसमें 25 होनहार टीचर है। ऐसे में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जैसे मैं बीआरसी में हूं, मैं आपको बोला, मैं वहां बहुत लोगों को रिक्वेस्ट की कि आप इतने इंटेलिजेंट लोग हो, मेरे से सीनियर हो, मेरे से जूनियर, व्हाई डोंट यू टेक सम एटलीस्ट वन क्लास अ मंथ, इवन वन क्लास ईयर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, आपको जो आता है वो अच्छे से बच्चों को समझाइए। द रिस्पॉन्स आई गॉट आई विल नॉट, मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं किसी के बारे में निगेटिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव बोल रहा हूँ, बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोग कम्फर्ट जोन में जीते हैं, मैं, मेरी फैमिली और बस, और गवर्नमेंट को मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहिए। लोग ये नहीं सोचते हैं, वही पुराना वाला डायलॉग कि देश ने हमारे लिए क्या किया, उससे अच्छा हमने देश के लिए किया और मानवता के लिए क्या किया, ये सोचना चाहिए, वो लोग नहीं सोचते हैं। पेरेंट्स के मामले में भी यही है। बाकी जैसे मैं बहुत पेरेंट्स को बोला कि आपको कुछ आइडियाज है, आप कुछ स्पेसिफिक चीज में एक्सपर्ट हो, हमारा, हम पैसे तो ज्यादा नहीं देते बट बच्चे तो आपके हैं, तो यू कम अप विद दैट प्रपोजल, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसमें हमारी तरफ से कुछ खर्चा नहीं होता एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग का, और वो रिकॉर्डिंग का भी एनुअली 25-30 हज़ार रुपया जो गूगल ने एस्टेब्लिश करके दिया है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल से हमको ये क्लास के लिए एक पॉजिटिव टीम स्पिरिट के साथ चलना है कि ये क्लास हमारा नहीं है, ऐसे ऑनलाइन इज नॉट द क्लास बाय संतोष टकले, वैशाली टकले और 25 टीचर्स, इट इज अ क्लास फॉर द कंप्लीट टीम इंक्लूडिंग स्टूडेंट, पेरेंट्स, देयर वेल विशर्स, जो कुछ करना चाहते हैं, बट जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हो, बच्चों को बताना चाहते हो, उसमें कमर्शियल इंटेंट नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सिस्टमेटिक होनेस होना चाहिए, और इंटरनेट पे आजकल कुछ नियम है कि आप एक पर्टिकुलर संविधानिक भाषा को क्रॉस नहीं कर सकते, इट्स अ ऑफेंस, तो वो फॉलो करना है। इसलिए हम पेरेंट्स को ज्यादा करके माइक ऑन करने नहीं बोलते, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ गाली गलौज चल रहा है, वो भी कभी नहीं सुनाए। सो प्लीज एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपोलॉजीज कि माइक ऑन करने के पीछे हमारा जो, मतलब माइक ऑन न करने देने के पीछे जो इंटेंट है वो काफी पॉजिटिव है और सुलझा हुआ है। नाउ कमिंग टू द बॉटम लाइन, जो खत्म नहीं होने वाला है, 10 मिनट है तो मैं आपके पीछे लगा रहूंगा, कि आपके बच्चे का फ्यूचर में 50-60% कंट्रीब्यूशन आपका और आपके फैमिली और आपके घर पे जो संस्कार है और जिस तरीके से आप जीते हैं वो है, तो आपको पॉजिटिवली घर पे उस तरीके का माहौल बनाए रखना हो, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत रिच फैमिली के बच्चे बहुत पढ़ते हैं या बहुत बड़ा नाम रोशन करते हैं या बहुत अच्छा काम करते हैं दुनिया के लिए, ऐसा नहीं हुआ। जो संस्कारी फैमिली थे उन्हीं से ही अच्छे अच्छे लोग उभर के आते हैं और देश के लिए काम करते हैं। आज मैं आज ये अवसर लेते हुए ये बोल रहा हूँ, इन नेक्स्ट 4, 1, 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम सैटरडे तक हम करियर गाइडेंस का पहला लेक्चर लेंगे। इस लेक्चर में जो भी आपके सवाल है पहले व्हाट्सएप से मुझे भेजिए, ओके, वो या ईमेल से भेजिए, कहीं भी एक बार आपका सवाल आ गया मैं उसको रिस्टोर करके रखता हूँ, और उस सवाल को एड्रेस करना इज दी करियर गाइडेंस क्लास। इसके अलावा मेरे पास भी बोलने के लिए बहुत होता है, वो भी बोलूंगा। तो मोस्टली हर 8 दिन में एक के हिसाब से पूरा जून महीना हम 2-3 करियर गाइडेंस के सेशन 1, 2, 3 लेंगे। छोटे बच्चों से एड्रेस करते करते हम ऊपर पहुंचेंगे और सारी डिसिप्लिन को एड्रेस करेंगे। आप इस तरीके के वीडियो मेरे देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे है, बट इंटरेक्ट करना या आपके सवाल, आपने सवाल चैट बॉक्स में पूछा और उसका मैंने जवाब दिया, इसका अलग मतलब होता है। बट ये सेशंस के लिए आपको चैट बॉक्स में भी नहीं लिखना है, आपको पहले मुझे भेजना है, मैं उसको डायरी में लिखता हूँ और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये भी एक एडेड एडवांटेज मिलेगा कि चलो भाई कुछ
एक क्लास ऑनलाइन ज्वाइन किया है, तो वहां से काउंसिलर का भी, बाहर काउंसिलिंग के भी 5-10-15 हज़ार लेते हैं आपकी जानकारी, पर हमें यह आनंद देता है इस तरीके से काउंसिल करना। और ये मेरी टेंडेंसी नेचर जिनको पता है, ऐसे टीचर हमसे जुड़े हुए, जैसे बिहार से लोग पढ़ाते हैं, अमेरिका से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स भी कुछ दुबई के हैं, अभी जैसे देखा, मुझे नहीं पता था वो मिधानी जी क्या थे, एक मिनट उनका नाम गए नीचे, वो जो भी थे, अमित जी, वो जापान से अटेंड कर रहे हैं। इट्स इंटरेस्टिंग ना, कितना अच्छा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो और पीपल आर फीलिंग कि ये वर्थ है अटेंडिंग। सो आपका बच्चा जब यहाँ जापनीज सीख रहा है तो 10% तो चांस है कि प्री ऑपकास्ट क्लास होते हुए भी भविष्य में उसको जापान जाने के लिए या करियर बनाने के लिए वो नींव यानी पाया मतलब फाउंडेशन बना। जर्मन पढ़ रहा है, मराठी के क्लास हम चला रहे हैं, उन महाराष्ट्रियन महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए या महाराष्ट्र में इंटरेक्ट करने वाले लोगों के लिए, कि जिनको कभी कभी लैंग्वेज की तकलीफ होती है। महाराष्ट्र में लोग बहुत फ्लेक्सिबल है, हिंदी इंग्लिश बाकी भाषाओं में बोलते, बट फिर भी हमने शुरू किया, वर्किंग पीपल थे, बट जब बात हुई कि टीचर का पे तो आप दो, तो हार्डली 2-4 लोगों ने पैसे दिए, बाकी लोग 26 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर रहे थे, वर्किंग प्रोफेशनल रिटायर्ड जिनकी पेंशन भी 50-60-70 हज़ार रुपया आती है, उनको साल भर के मराठी के क्लास का 2,000-1,500 रुपए देने को नहीं होता है। तो मैं खुद सीख रहा हूँ कि किस वैरायटी के मानसिकता के लोग दुनिया में होते हैं। आप भी ये सीखोगे जब इंटरेक्ट करना शुरू होगे। कितने ऐसे स्टूडेंट थे हमारे होनार जिन्होंने पढ़ाना भी चालू कर दिया, हमारे ही क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे संकल्प सर जो जापानीज पढ़ाते हैं, वो 11th के स्टूडेंट, बट ही सेड कि सर मैं पढ़ाना चाहूंगा, वी सेड कि हम लोग आपको इतना ही पैसा पे कर पाएंगे, ही सेड कि सर मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, सर वो बजट देखते हुए हमने बोला सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चालू करो। 151 स्टूडेंट थे, वी रिक्वेस्टेड कि आपको 0 to 2,000 के बीच में कुछ भी पे करना, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट पेड, सो वी स्टॉप दैट क्लास आफ्टर 16 आवर्स, और हमने बोला कि 2,000 रुपया पे करो तभी क्लास चालू करो। तो अभी 2-3 लोगों ने चुपचाप दी, तो अभी सर के पैसे वसूल हो गए, तो मेरा फाइनेंशियल लोड कम हो गया। इस तरीके से कम्युनिटी थिंकिंग के साथ न चलने वाले लोगों के साथ हमारा वास्ता हमको रखना ही नहीं। जिनको इस तरीके की सकारात्मक सोच में आना है कि बाहर जब मैं कौन से क्लास में जाता है बच्चा क्या पढ़ता है मालूम नहीं, और वहां मैं 10-20 हज़ार रुपया दे रहा हूँ, और यहाँ ऑनलाइन में आप बोलते बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, एंड व्हेन वी से कि आपको 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया देना है, एंड यू स्टार्ट गिविंग सो मेनी एक्सक्यूजेस, एंड दैट्स रियली बैड। ओके, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल कंप्लेंट्स फ्रॉम माय साइड, कि आपको समझ में आना, हम बोलते हैं कि क्लास के पहले 5 मिनट ज्वाइन करना है, तो क्यों ज्वाइन करना, आप डिस्टर्ब करते हो पूरे क्लास को, पर ऊपर से टीचर होता नहीं है जो अथॉरिटी दे, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्लास में एंट्री करने में परेशानी होगी। इसमें मैं या मोदी जी या यूनेस्को कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपको ही अच्छी जगह ढूंढ के बैठना है जहां नेटवर्क ठीक है, इसलिए तो फीस इतनी कम रखी है। ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम, लेट आएंगे और फालतू सवाल पूछेंगे, यह एटीट्यूड खराब है कि मुझे सब मिलना चाहिए, निचोड़ के ले लूंगा पूरे देश को और दुनिया। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस, और बच्चों में यह एटीट्यूड आपको नर्चर करना। अभी जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो पेरेंट्स अटेंड ही नहीं करते, उनको मालूम है 2-3 महीने से फीस नहीं दिए तो क्लास छोड़ ही देते हैं, नया कोई क्लास फ्री वाला ज्वाइन कर देंगे वो छोड़ देंगे। ये आपकी सोच बच्चों में आ जाती है और बच्चे फिर इनसिंसियर हो जाते हैं, बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं माँ बाप से, बच्चे उल्लू बनाना सीख जाते हैं फैमिली मेम्बर्स से, बच्चे गाली देना सीख जाते हैं नेबर्स से और आसपास से। तो ये कहीं ना कहीं नहीं रहना है, तो जो मैं बोलता हूँ वो आपको समझ के सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ ऑल दिस क्लासेस। एक फाउंडेशन क्लास चल रहा है जिसमें 6th से लेके 10th के बच्चे एंट्री कर सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह को जनरल तरीके से रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल माइंड डेवलप करने के लिए हम पढ़ाते हैं। इसमें आपको आना है, यू हैव टू कम, इट्स 8,000 रुपीज पर ईयर, बाहर क्या फीस है यू नो ऑन। ओके, तो आपको ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा इंटरेस्ट है नर्सरी टू 12th एक अच्छा क्लास एस्टेब्लिश करना जिसमें सारे एंट्रेंस एग्जाम भी पढ़ाए जाए, ताकि बच्चों को कहीं और इधर उधर भागना न पड़े। और ड्यूरेशन होगा मंडे टू फ्राइडे, कभी वक्त नहीं मिला तो एक रिपीट क्लास के तौर पे सैटरडे संडे 1 घंटा, और पूरा पढ़ाई अच्छे से होता है। रिपीटिंग पिछले 7-8 महीने में हमने पूरा सिलेबस कवर करके 1-2 बार रिविजन किया, and not a single parent has any nasty complaint,
सर क्या फालतू पढ़ाया टीचर ने, कितना फास्ट पढ़ाते. नो, मेनी ऑफ देम सेड कि सर उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मतलब जैसे ठीक से वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, उनके जो लोकल लैंग्वेज है वो इस्तेमाल करते. हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको निकाल दिया. कुछ ऐसे अच्छे टीचर को निकालना पड़ा जिनके घर से नेटवर्क का प्रॉब्लम था. कुछ टीचर्स गांव से पढ़ाते थे मराठी ग्रामर वगैरह, कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ाते थे. तो वी यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है हमारी तरफ से. आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो. 41+3 मतलब 44 पेरेंट्स अभी भी प्रेजेंट है जबकि मैं एक घंटे से बात कर रहा हूँ. ये आपका जो रिस्पॉन्स है ना, ये मुझे बड़ा सुकून देता है कि मैं एक लायक लोगों से बात. मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद मिलेंगे, लॉकडाउन के बाद मिलेंगे. खत्म नहीं हो रहा है लॉकडाउन, ना कोरोना ठीक से जा रहा है. आपने वैक्सीनेशन लिया होगा, बहुत अच्छी चीज है. किसी पे अविश्वास करने की जरूरत नहीं, वैक्सीनेशन प्लीज लीजिए, क्योंकि इससे आप सेफ एंड सिक्योर हो जाते हो. आपकी मोबिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है. इसका मतलब ये नहीं कि केयर एंड प्रिकॉशंस नहीं फॉलो करना है. सरकार जो भी बोलती है वो हमारे फायदे के लिए, उसमें सरकार का कोई पर्सनल गेन नहीं है इंडिविजुअल का. आज स्टेट में और सेंटर में इस तरीके के अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात. तो आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके फीडबैक व्हाट्सएप से वैशाली मैडम को मुझे भेजते रहिए. बच्चे के पढ़ाई में पैसे मत डालिए, बच्चे के पढ़ाई में मेहनत और सिंसियरिटी डालिए कि एक घंटा जब बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन क्लास में हमारे, प्लीज उसके साथ बैठिए. नर्सरी से फिफ्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए. आपके जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे आप हमें और वैशाली मैडम को मैसेज कर दीजिए. बहुत देर तक मैं बात करता रहा, बहुत सारी बातें की. पिछले 5 पेरेंट्स मीटिंग में भी लगभग यही बातें थी, पर कुछ नया हो सकता है तो वक्त मिले तो. बाकी सारे वीडियो आप यूट्यूब पे देखते रहते हो वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास करने के. हमारे भी पेरेंट्स मीटिंग के या स्टूडेंट के क्लास के वीडियो थोड़ा देखिए, जापानी जर्मन क्लास के भी वीडियो डालते हैं तो वो भी देखिए, इवन बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी वीडियो डालते हैं वो भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बच्चे जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते वो देख पाए. एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज सजेस्ट सम फ्री स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स आपको लगता है सर ये बच्चा फीस नहीं दे पाएगा, बट सिंसियरिटी होगी ये मेरी तरफ से गारंटी, मिसबिहेव नहीं करेगा, रूल्स फॉलो करेगा. किसी भी क्लास में आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा भेज सकते हो, पर नियम ये रहेगा एंट्री के टाइम उसको 1000 रुपीज उसके यहां से पे करने हैं. क्यों? क्योंकि आपसे हमारा बात हुआ होगा कि ये क्लास कंप्लीटली फ्री है. आप उसको बोलेंगे कि आपको मिनिमम इतनी फीस देनी होगी जो 500,000 के बीच में होगी. जब बच्चा महीना भर 2 महीना क्लास ठीक से करेगा वो 1000 रुपीज हम बच्चे को लौटा देंगे. विदाउट पेइंग फीस बच्चे सिंसियर और पेरेंट्स सिंसियर नहीं हो. जिला परिषद के स्कूल के लिए ये रूल नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली फ्री. आते हैं जाते रहते हैं, अपनी तरीके से मैसेज करते रहते हैं, बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा के पेरेंट्स भाग जाते हैं. और ये पेरेंट्स टीचर है स्कूल में जहां उनको 40-45 हज़ार जिला परिषद के स्कूल में तनख्वाह मिल रही है. आप सोच ही रहे होंगे क्या स्टैंडर्ड होगा, बट फिर भी इतने अच्छे टीचर स्कूल है जिनको मैं घूमा हूँ अपनी जिंदगी में, तो मुझे बड़ा रिस्पेक्ट है जिला परिषद के टीचिंग पे, स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल पे. जैसे JNV हो या KVs हो, दे आर वंडरफुल एजुकेशन सिस्टम. जैसे गुजरात में मॉडल स्कूल चलता है, दे आर रियली रियली गुड. नॉर्थ ईस्ट में विवेकानंद केंद्रा के स्कूल है, बहुत ही अच्छा संस्कार होता है. तो मुझे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पे काफी भरोसा है. सिर्फ प्राइवेट सिस्टम में जो मटेरियलिस्टिक बिहेवियर और मनी मेंटिंग का अप्रोच है उसको थोड़ा हटाने के लिए हमारा ये सोशल प्रोजेक्ट है. Anybody, anytime, need any fees concession, anything, झूठ मूठ का नहीं, सही में. Then you can always send us message. You can, after sending message, I will call you in person. Okay? Once again, आज मैं अगर किसी को डांटा, कुछ अकल सिखाई, कुछ ऑफेंसिवली बोला तो सॉरी, क्योंकि उस समय उस चीज को न पॉइंट आउट किया जाए. जैसे बच्चों का क्लास में टाइम टू टाइम प्रेजेंट न रहना, माइक ऑन करना बेवजह, फिर लेट आके टीचर को रिपीट करने के लिए जिद करना, खुद होमवर्क न करना, 10 बार लिंक भेजने के बाद भी गूगल क्लासरूम को एक्सेप्ट न करना, 1000 बार जीमेल आईडी चेंज करना, XYZ ईमेल आईडी दे के PQR ईमेल आईडी से एंट्री करना, ये सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल है. और ये अनएक्सेप्टेबल चीजें आपके लिए हम बोल रहे हैं, तो क्या एक्सेप्टेबल है इसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हो. कुछ चीजें आपको बताते रहेंगे, आपके डाउट्स आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे,
आपको समझने वाली मराठी हिंदी या इंग्लिश में डाउट भेजना अलाउड है ओके ताकि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम हियर आफ्टर इन ईच क्लास। सोचिए मत अरे भाई अप्रैल में की फीस दी नहीं तो मीटिंग अटेंड कर दिया तो पे करनी पड़ेगी। देखिए फीस के लिए पिछले 13 महीने में हम आपको जिद नहीं किए तो अभी भी नहीं करेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट डालते बैठेंगे ग्रुप में पेंडिंग फीस है पे करो पेंडिंग फीस है, नहीं पे करेंगे। सिंसियरिटी डेडिकेशन मेंटेन रखेंगे तो सिर्फ मैसेज आता रहेगा, नोबडी इज गोइंग टू कॉल यू एनी टाइम, क्योंकि 15 महीने में 500 लोग थे उनको कभी कॉल नहीं किया, तो आपको फीस के लिए कॉल करने का संबंध और सवाल ही नहीं उठता। और ये मेरी तरफ से प्रॉमिस, इन सिंसियरिटी रही उसी समय, इनडिसिप्लिन रही उसी क्षण आपको निकाला जाएगा क्लास से विदाउट गेटिंग एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम। जैसे उस दिन पाइथन के क्लास में हुआ, कुछ स्टूडेंट ने सर को विश किया गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, मैंने थोड़ा डांट दिया कि भाई आपको माइक ऑन नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन राइटिंग में 3 बार ग्रुप में डाले गए, आपको फोन पे बता दिया गया, ओरली इंस्ट्रक्शन थे, तो पेरेंट्स के मैसेज आए ये बहुत ऑफेंसिव तरीका था आपका, ऐसे बात नहीं करना है बच्चों से, बच्चों को पैम्पर करके खराब करना आपका जिम्मेदारी और रोल है, आप करते रहे। हमारी तरफ से एक ही रहेगा, डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ। डिसिप्लिन के आगे कुछ नहीं, इसमें एक समय सूचकता आती है, समय का अनुशासन होना, वो भी नहीं है बच्चों में तो वो बच्चों को हम निकाल देते। डोंट बॉदर अबाउट फीस बट डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग इज फ्री। ओके बोलते हैं ना कि फ्री में कुछ भी पाओ तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हम फ्री में अच्छी क्वालिटी दे नहीं सकते क्योंकि टीचर को अगर हम 100 रुपया दे रहे हैं तो आप अच्छे पैसे देंगे, अच्छे बच्चे होंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 500 रुपया भी देंगे और 1000 रुपया भी देंगे क्योंकि आगे वाले पैसे आपकी तरफ से आए। वी हैव रीच्ड अप टू द 100 फ्रॉम माय पॉकेट, रिमेनिंग मनी कम्स फ्रॉम यूर एंड। आप देंगे तो टीचर को 500 के 1000 के 5000 रुपया देने में भी पर आवर का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि आप जानते हो ऐसे भी स्कूल कॉलेजेस है जहां पे आज भी 3-3.5 हज़ार रुपया मंथली सैलरी होता है कुछ टीचर्स का। सो लेट्स नॉट गेट इनटू अदर थिंग्स, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं बहुत टाइम लिमिट क्रॉस किया, बट आप सब प्रेजेंट हो सुन रहे होंगे ये उम्मीद है। अभी थैंक यू वेरी मच बोल के मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, आप कुछ भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप से प्लीज भेजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम लिसनिंग मी विथ पेशेंस, होप यू विल इम्प्लीमेंट द सेम। थैंक यू सो मच, यू कैन लीव द मीटिंग। If you have anything to say, please put it to the chat box or please put it to the WhatsApp message. We'll respond you in a prompt way. Thank you so much. You can now leave the class. Please leave. Thank you so much. Thank you very much, all the parents, teachers, students. फॉर गिविंग अस वैल्यूएबल टाइम, कुछ बात मैं ऑफेंसिवली किया होगा तो बुरा मत मानिए। थैंक यू अगेन।